अनाथ बालिका जिसको गोद लिया गया था उसको नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने आवास योजना का लाभ दिया है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही होगा तो दादा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? सांची रोड। इससे मैं आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत कर बहुत बहुत नमस्ते करूंगी और उनने मेरे लिए मकान दिया उनके लिए। और मुकेश भैया ने मुझसे पूछा भी था, यार जो तुमने गोद ले ली है बिटिया को, मैं इसको एक मकान देना चाहता हूँ और उस तारतम्य में ये बिटिया चूंकि मेरी गोद है, मैं इसके इसका संरक्षण कर रहा हूँ। मैं टंडन जी का, इस परिषद का और इस नगरपालिका का आभारी हूँ कि इस बिटिया को एक सहारा दिया और सहारे के साथ साथ मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए मैं इस नगर पालिका का आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। लोग के ऊपर जब पहाड़ टूटा था दुख का, उस समय हमारे मित्र संदेल साहब ने उसको अपनी धर्म बेटी के रूप में अपना कर उसके जीवन को संवारने का काम किया। हम लोग जब वहाँ पहुँचे बेटी सालू से मिलने, तो किराए के मकान में आप रहती थी, मेरे मन में ये भाव आया कि राजीव आवास हम उन परिवारों के लिए दे रहे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, और 3.5 लाख रुपये का मकान हम उन गरीब परिवारों को दे रहे हैं। क्यों ना बेटी को मेरी ओर से एक मकान बेटी को दे दिया जाए ताकि ये उसके काम में आए, जब वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करे तो उसका खुद का अपना मकान हो। ये मन में भाव रखकर मैंने उस समय सालू को मकान देने का आश्वासन दिया था, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजीव आवास में हमने इनकी सारी औपचारिकता पूर्ण करके इनको मकान आवंटित करने का काम कर रहे हैं। 5,000 रुपये की रसीद अभी कटी है और उसके बाद जो किस्त आएगी वो मैं स्वयं भरूंगा, और तो बेटी को मकान पूरा निःशुल्क मेरी ओर से रहेगा। आशीर्वाद।